नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के बरौनी रिफाइनरी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर ब्लास्ट के बाद 17 कर्मचारी घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही थी कि कई लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद भारी भरकम हंगामा होने लगा है। तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके का हंगामा वहां पर हो रहा होगा। बरौनी रिफाइनरी में हुए हादसे में आज 17 कर्मी घायल हो गए हैं। इनमें से 5 रिफाइनरी कर्मी हैं, जबकि 12 ठेके के मजदूर हैं। घायल होने की सूचना के बाद सोशल मीडिया पर मजदूरों की मौत की अफवाह उड़ा दी गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में मजदूरों के परिजन रिफाइनरी गेट पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। हालांकि मौके पर रिफाइनरी प्रबंधन सहित सदर डीएसपी एवं एसडीओ ने पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया और लोगों से हंगामा न करने की अपील की, लेकिन अभी भी मजदूरों के परिजन रिफाइनरी गेट पर जमा है। घटना के बारे में मिल रही जानकारी के अनुसार रिफाइनरी में गुरुवार की सुबह यूनिट एवीयू में फर्नेस में ब्लास्ट हो जाने से कार्य कर रहे 17 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मी को प्राथमिकी इलाज कर बरौनी रिफाइनरी के अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें एक की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जब अफवाह फैली तो उसके बाद मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया। उसके बाद ही इस तरह के प्रदर्शन बाहर में होने लगे हैं। इस विषय में रिफाइनरी के ईडी ने क्या कहा है और साथ ही साथ अमरेंद्र अमर जो कि सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। हमारी अभी अभी प्लांट में शटडाउन हुआ थे 1 महीने से, और होने के बाद अभी हम लोग हमारी जो AV1 है उसको स्टार्टअप कर रहे थे। तो 2 दिन से स्टार्टअप चल रहे थे और वो ठीक ठीक भी जा रहे थे। और उसी प्लान का मौजूद और एक हीटर है जिसमें हमारी थोड़ा डैमेज हो गया, और वो जो डैमेज हो गया उसके टाइम पे डैमेज के टाइम पे कुछ जो हमारी लेबर लोग और हमारी एम्प्लॉयज़ लोग जो इधर उधर थे उसको तो इंजरी हो गया। हमने तुरंत सबको लेके हमारी फर्स्ट एड के बाद हमारी अपनी हॉस्पिटल में और नियर बाई ग्लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उसकी पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है और हम उसकी पूरा ख्याल रख रही हूँ। कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको पूरी टेक केयर कर रहे हैं। बरौनी रिफाइनरी में पिछले दिनों शटडाउन चल रहा था, और शटडाउन की प्रक्रिया के बाद रिफाइनरी को रीस्टार्ट किया जाता है। ये भी U1 यूनिट के जो फर्नेस थे उसके एक पार्ट में ब्लास्ट हुआ, और जिसमें आसपास में काम करने वाले जो मजदूर थे या जो इनके अस्थाई कर्मचारी हैं वे घायल हुए हैं। अभी तक हमने जो देखा है उसके हिसाब से रिफाइनरी अस्पताल में 12 और ग्लोकल हॉस्पिटल में 7, 19 लोगों के घायल होने की सूचना है जिन्हें हमने देखा है, और उनकी स्थिति चिंताजनक नहीं है, वो सब खतरे से बाहर हैं। बेहतर उपाय के लिए जिला प्रशासन को हमने तुरंत सूचना दी, जिलाधिकारी महोदय और SP साहब को भी हमने कहा, प्रशासनिक उपाय भी किए जा रहे हैं। ऐसी आपदा की स्थिति में हम सब मिलकर सहयोग करें। हमें लगता है कि एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है और रिफाइनरी सुरक्षित है। तो आपने देखा गेट के बाहर काफी हंगामा हो रहा है। जो भी मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनके जो परिजन हैं वो बाहर निकलकर हंगामा कर रहे हैं, और फिलहाल जो लोग घायल हैं उनका भी इलाज चल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कब तक इन लोगों का इलाज हो पाता है और कब तक गेट से हंगामा हटाया जाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।